हेलो गाइस, फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं गेट। जी हाँ गाइस, ये जो है गेट आप लोग का सामने दिखाई दे रहा है, ये गेट हम लोग आज बनाने वाला है। ये थोड़ा डिज़ाइन है और मैं इसका टोटल में आप लास्ट में आपको एंडिंग में दिखा दूंगा कि इसका वजन कितना निकला या फिर या इसका पैसा जो है इसका प्राइस जो है कितना हुआ। और इसका साइज़ जो है ये 3.5 है और दो पल्ला वाला है, तो दोनों होके इसका ये तो जो दोनों गेट है, एक पूरा गेट का जो है ये 6 फीट है, ये सो ये हाइट है आपका, ये गेट का हाइट है 6.5 और ब्रेड भी 6.5 है। तो हम लोग इसको दो पल्ला में भाग कर रहे हैं। फिलहाल जो है हम लोग ये पाइप जो इस्तेमाल हो रहा है, ये आप देख सकते, जो बॉर्डर का लाइन है, ये बॉर्डर का लाइन का है जो 2.5x1.5 है, और इसका इनसाइड वाला जो पाइप है, इनसाइड वाला पाइप जो है ये 2x1 है। और ये जो स्पेस है देख सकते आप, जिससे कि वो स्पेस लगाई जा रहा है, ये 1 इंच वाला स्पेस है। गाइस मेरे हिसाब से ये बहुत खूबसूरत बनने वाला है। प्लीज़ गाइस वीडियो में बनते रहिए और देखते रहिए निपुण फैब्रिक। फाइनली गाइस हम लोग को जो है गेट ऑल पास लगाने वाला काम शुरू हो गया। ये देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बोला था, ये पूरा गेट जो है इस तरह से खोलना ज़रूरी है। और यहाँ जो है पूरा वेल्डिंग कर देते हैं हम लोग। यहाँ देखिए पूरा वेल्डिंग कर दिया गया, और यहाँ देखिए यहाँ भी पूरा वेल्डिंग कर दिया गया। यहाँ जो है 10mm या फिर पट्टी को जो है इसमें थोड़ा दूर भेज के, दूर लगा के तो इसको वेल्डिंग कर दिया जाता है। और वेल्डिंग तो इस तरह से हमेशा करना चाहिए। देखिए ये जो है एक ही साथ में करना चाहिए, इस तरह से जो है एक ही साथ में करना चाहिए। ये अलग अलग करने से देखना अच्छा नहीं लगता। तो बाकी बॉल लगाने वाला काम जो भी खत्म हो चुका है, अभी फाइनली और एल ड्रॉप का देखिए, ये जो है ये जब रहेंगे तो ऐसा रहेंगे। और इसको यहाँ देखिएगा, ये देखिए हम एक पट्टी, हम लोग 12mm का जो है रॉड कट पट्टी में लगा दिया, टुकड़ा लगा दिया, तो उसका ये चला जाएगा। और जब ये लॉक होंगे तो इस तरह से होंगे, यहाँ ताला लगा दिया जाएगा। और अगर हवा भी आएगा तो ये खोलना नामुमकिन है, ये लॉक हो जाएंगे ऊपर से। तो गाइस इसका लॉक का सिस्टम जो है इस तरह से हम लोग लगा देते हैं। और नीचे में जो है स्टॉपर लगा दिया, ये देखिए नीचे में स्टॉपर लगा दिया, इस तरह से लगा दिया। ये मिट्टी का नीचे चला जाएगा, ये कम से कम 4 इंच चला जाएगा, और 2 इंच का जो गैप है वो रह जाएगा। और ये ऊपर जाने के बाद जो है ये ऊपर लॉक हो जाएगा। फिर यहाँ बाकी है लगाने के लिए, यहाँ हॉल पास लगाना बाकी है। ये साइड हॉल पास लगा देंगे तो काम पूरा हो जाएगा इसका भी। और उल्टा साइड करके जो है इसको लॉक लगा देंगे, उल्टा साइड जो है ये बना के रखे हैं बाहर से, जो है इसको लगा देंगे सिंपल लॉक। इसमें हैंडल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि सारों तरफ जो है ये गैप ही है, आराम से हाथ से पकड़ सकते हैं इसको।